ये रिश्ता क्या कहलाता है। तुमने जो किया ना वो आज तक हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं किया होगा। तुमने मेडिकल हिस्ट्री में नंबर वन होने का रिकॉर्ड बना दिया। क्या हुआ आरोही? क्या हुआ आरोही? क्या हुआ है आरोही? आरोही इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या हुआ? कुछ तो बताओ ना बेटा, क्या बात है? I have not created history. मैंने इस बार टॉप किया है। कोई है जिसने मेरे से पहले 496 आउट ऑफ 500 लाया है? ये रिकॉर्ड उसका है जो मैं तोड़ नहीं पाई। तो क्या हुआ? क्या होता है उससे? एक ही नंबर का फर्क है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मुझे फर्क पड़ता है जी, आधे नंबर से भी फर्क पड़ता है। ओके आरोही, हमारे लिए तो तू ही। तुम पहले से जानती थी ना? मैं पहले से क्या जानती थी? यही कि कोई और जो राजस्थान की मेडिकल हिस्ट्री मुझसे आगे है। तुमने ऑनलाइन जाके सब कुछ पहले से चेक कर लिया था ना, इसलिए मैं जानबूझ के हिस्ट्री क्रिएट करने वाली बात निकाली। तुमने जानबूझ के मुझे एहसास दिलाया कि मैं नंबर वन नहीं हूँ। अरु ये सब क्या बोले जा रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था। मैं तुम्हें सपने में भी हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकती, मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि तुमसे मेरी खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं होती। तुमने जो महान बनने का नाटक करती फिरती हो ना, अंदर ही अंदर तुम मुझे हर्ट करने के बहाने ढूंढती हो। अरु पर तुम ये अच्छी तरह से जानती हो ना कि मुझे फर्स्ट आने की आदत है, मुझे हर रिकॉर्ड अपने नाम पर चाहिए, मुझसे आगे कोई नहीं चाहिए। मैं इसी आदत का फायदा उठाया मुझे नंबर टू साबित करके। कैसे तुमने मेरे हैप्पीनेस को सैडनेस में बदल दिया ना? नहीं तो बस ये बात ऐसे कैजुअली। नथिंग इज कैजुअल अबाउट यू अक्षरा, नथिंग इज कैजुअल अबाउट यू, एवरीथिंग इज प्लान्ड। तुम आगे की भी प्लानिंग करके रखती हो, इनफैक्ट तुम टाइमिंग भी प्लान करके रखती हो मुझे हर्ट करने की। तभी तो उसी वक्त घर पहुंची जब मेरा रिजल्ट आने वाला था, ताकि तुम मेरी खुशियां स्पॉइल कर सको। बस आरोही, बस बहुत हो गया। आरु, आरु, देखा किसी सर पे चढ़ गई है? बेवजह तमाशा खड़ा करने की आदत पड़ गई है इस लड़की को। यही तो मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच फिर कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आज फिर इस बिरला की वजह से। मेरी बात तो सुन आरु, आई एम रियली सॉरी, पर प्लीज इतनी सी बात पे तब बड़ा मत बना। मेरा यकीन कर आरु, तू मेरे लिए हमेशा नंबर वन रहेगी। तू नंबर टू वही हूँ। मैं नंबर टू, मैं नंबर टू ही हूँ। मेरी माँ भी नंबर टू थी, इसलिए मैं भी हमेशा नंबर टू ही रहूंगी। नंबर वन तो तू है, सबकी लाडली। क्या बोल रही है? सब तुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मुझसे करते। अपने दिल से ही कड़वी बात निकाल दे। कड़वा बोलती हूँ पर सच बोलती हूँ। खुद को और अपनी माँ को इस घर में मैं कभी नंबर वन नहीं बना सकती, इसलिए कहीं और जिंदगी में मैं नंबर टू नहीं रहना चाहती। और इस दुखती नफ्स को तुम जानती हो, जिसका तुमने आज खूब फायदा उठाया। आरु, आरोही, डू नॉट कॉल मी आरु। तुम्हारा ये झूठा अपनापन जो है ना, चुभता है मुझे। मैं कैसे समझाऊं तुझे? You know, I was so excited. मैं finally तुझसे 3 साल बाद मिल रही थी। मुझे लगा वक्त के साथ साथ तेरा थोड़ा गुस्सा कम हो गया होगा, लेकिन अब दर्द कम नहीं हुआ तो गुस्सा कैसे कम होगा? तुमने जो दर्द दिया है ना मुझे, मेरी माँ को मुझसे छीन कर, वो इस जन्म में तो कभी कम नहीं होगा। तुम कभी उस दर्द को मिटा नहीं सकती, लेकिन तुम बार बार उसे ताजा जरूर करती थी।
जैसे तुमने आज कर दिया। तो उस फोटो को देखकर नाराज हो रही है ना? ठीक है, पर जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक प्लीज उसे वही लगा रहने दे। वो क्या है ना, ये एक ही फोटो है हम दोनों की, इतनी हैप्पी वाली। तुम्हारे लिए हैप्पी वाली फोटो होगी, मेरे लिए नहीं है। तेरे लिए भी है, याद कर, ये उस दिन की फोटो है जिस दिन तू जीत कर आई थी और मैं तेरे लिए कितनी खुश थी। याद है मुझे, जीत के मैं आई थी, पर उस दिन भी मेरी मॉम ने तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हें पहले गिफ्ट दिया। उसी दिन मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी मॉम भी तुझसे ही ज्यादा प्यार करती है। हारू, तू हमेशा इतना नेगेटिव क्यों सोचती है? अच्छी बातों का भी ना गलत मतलब निकाल लेती। तो इस फोटो का मेरी आंखों के सामने होना अच्छी बात नहीं है। अपने पेन को बार बार याद करना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। तुम कोशिश करती हो मुझे मेरी लाइफ की खूबसूरत चीजें याद दिलाने की, पर मैं क्या करूं अगर मुझे सिर्फ कांटे ही याद आते हैं तो, जो इस जर्नी में मुझे चुभे हैं और आज भी मुझे चुभते हैं। कोई कांटे नहीं है, यू आर रॉन्ग। नो, आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज बस करो दोनों, ये बात यहीं पे खत्म करो अभी। भैया प्लीज, हम बच्चे नहीं है। हरकतें अब भी बच्चों वाली ही है आरू, इसलिए जिप द लिप। कल जब ट्रिप पे जाएंगे गोपी मास फेस्टिवल के लिए तो ये सब नाटक नहीं चाहिए मुझे। भैया मुझे ट्रिप पे आना ही नहीं। ऐसा मत कर आरू, मूड स्पॉइल मत कर, चल ना। कहा ना मुझे नहीं आना है। ये तू क्या कर रही है आरू? मैं यही सोऊंगी, मुझे तेरे साथ बेचैन नहीं करना। वो तो कायरव भैया ने कहा उनका दिल नहीं दुखाना था, वरना मैं तेरे साथ रूम तो शायद कभी ना करूं। मेरा बैग आरू, बस 3 दिन की तो बात है ना, 3 दिन के बाद तो मैं जा रही हूँ। प्लीज 3 दिन तक सब कुछ भूल जा प्लीज। ओके फाइन, 3 दिन मैं एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन उसके बाद अगर तुम 1 दिन भी और मुझे दिखाई दी मेरे आसपास, तो हमारे बीच में जो नाम का रिश्ता है ना वो भी नहीं बचेगा। दर्द दिया है ना मुझे मेरी माँ को मुझसे छीन कर, वो इस जन्म में तो कभी कम नहीं होगा। तुम कभी उस दर्द को मिटा नहीं सकती। जहां तक मेरी नॉलेज है, एक सिंगर को आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, वो तो प्रोफेशनल्स के लिए होता है। मुझे कौन सा मूवीज में गाना है, आई तो लव आइसक्रीम। वैसे अगर मेरा गला खराब हुआ भी तो यहाँ मेरे साथ 2-2 डॉक्टर्स हैं। हाँ, अच्छी बात तो ये है कि डॉक्टर साथ है। वैसे तुम्हें पता है कल के दिन मास्क फेस्टिवल में लड़कियां राधा बनके और लड़के कृष्णा का मास्क लगा के आएंगे? पता है, ऐसा कोई रिचुअल तो है। लोग कहते हैं कि कल के दिन अपने आप जिस कपल की राधा कृष्णा वाली जोड़ी बन जाए उस कपल को कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स मिल जाती है। ऐसे तो ये सब अक्षु वाली बातें हैं, लेकिन कल डॉक्टर अभी भी वहाँ होगा और मुझे उसके साथ अपनी जोड़ी चाहिए ही चाहिए। फिर वो लॉजिकली बने कि माइथोलॉजिकली। आरू क्या सोच रही है? यही
कि कल बहुत मजा आएगा मास कॉम्पिटिशन में डॉक्टर अभी के साथ। तुम्हारे घर दादी और घर के बड़े लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आज शुभ दिन है ना, तो सोचा ये शुभ काम आज ही कर लिया जाए, रिश्तों को थोड़ा और करीब लाया जाए। और हाँ, खुद से खुद का रिश्ता दो लोग मिलकर भी बना सकते हैं आपस में। दस मिनट में पहुंच रहा हूं, बाय। वो मेरे लिए सबसे मिलने आ रहा है, मेरे लिए डॉक्टर अभी और मैं। Oh my God! नहीं नहीं नहीं, I think मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। किसी और काम के लिए भी तो आ सकता है, पर और क्या काम होगा? कहीं सच में रिश्ते की बात करने तो? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना बात करने आ जाएगा, वो भी अकेले। नहीं। तो फिर ये अभी क्यों आ रहा है? मुझे जो चाहिए मुझे मिल जाएगा, वो मेरे लिए ही आ रहा है। ओए बहना, देख के चलना। भैया मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी तो लग। ये ड्रेस ठीक है, कोई और पहनूं? नहीं ये ठीक। आई थिंक मुझे रेड पहनना चाहिए, ये कलर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे अक्षु, गिर जाती है अभी। पहली बार साड़ी पहनी है ना, आराम से चल, दौड़ क्यों रही है? भैया एक बात सच सच बताओ ना, मैं अच्छी लग रही हूँ क्या? मतलब ये साड़ी ठीक लग रही है कि मैं अपना सूट पहन लूं? ओके क्या तुझे सब ठीक है ना? पर तू पूछ क्यों रही है, किसी फंक्शन में जाना है? वो एक्चुअली मुझे वो कॉलेज के बुक के लिए फोटो देनी है, तो मैं कोई दूसरी ड्रेस पहनूं? ले, लड़कियां ऐसे घबराती शर्माती तब है जब कोई लड़का उन्हें देखने आने वाला हो, और तू हमारी टॉपर बहना, तुझे फोटो चाहिए वो भी कॉलेज की बुक के लिए, कमाल है। भैया आप बताओ ना मैं ठीक लग रही हूँ या नहीं? अरे हाँ हाँ, इसी ड्रेस में भेज दे, इसमें इतनी प्यारी लग रही है कि फोटो प्रिंट होते ही रिश्तों की लाइन लग जाएगी, और देखना डॉक्टर्स के ही रिश्ते आएंगे। अरे हाँ हाँ, डॉक्टर लोगों के लिए अक्सर डॉक्टरों के रिश्ते आते ना, जैसे मेरे लिए खाते पीते घर से रिश्ते आएंगे। वो एक्चुअली गोयनकाज और बिरलाज के बीच में रिश्ता गहरा करना। ओ, वैसे आरू, वो बिरला वाले तुझ जैसी टॉपर इंटर्न से किसी डॉक्टर की सेटिंग ना कर दे। मुझे लाइफ में बेस्ट ही चाहिए, और वो मुझे मिल गया है। इच्छा कुंड, आपने तो सच में मेरी इच्छा पूरी कर दी। आशु भैया, मुझे ना अचानक से ना सीरत माँ और पापा की एक बात याद आ गई। कौन सी बात? सीरत माँ ने मुझे एक बार बताया था कि उनको और पापा को कब प्यार हुआ ना, उनको पता ही नहीं चला। ऐसे ही होता है क्या प्यार? आपको कभी हुआ है? या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप यहीं हो पर आप नहीं हो? कभी आप कहीं हो पर जहां हो वहां नहीं हो? कहीं हो नहीं हो, अभी हो तभी हो। अक्षु तू ठीक तो है ना? मुझे भी नहीं पता भैया, कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरे साथ। कहीं इच्छा कुंड ने सच में मेरी इच्छा तो नहीं पूरी कर दी? कहीं इसे किसी से प्यार तो नहीं हो गया? सिर्फ 10 मिनट है उनके पास आपके लिए। ओके। आ, 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 आ,
दो डॉक्टर्स की जरूरत है जल्दी। एक को एमएलए का बीपी चेक करना है और दूसरे को रिक्शा वाले ग्लूकोज चढ़ाना है, तो जल्दी किसी को भेजो। ये भी इंटर्नशिप के लिए आई है। आप इंटरव्यू के लिए आए हो ना, मतलब आप डॉक्टर ही हो ना। उस बच्चे को कोई और देख लेगा, आप जल्दी जाइए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू से ज्यादा जरूरी बच्चा है मेरे लिए। पर अपने करियर के बारे में तो सोच लीजिए। पहले एक अच्छी इंसान बन जाओ, करियर बाद में बना लूंगी। क्या हो गया? हाँ एक मिनट एक मिनट, आराम से निकलो एकदम। हाँ आ जाओ पीछे आ जाओ। आपका बीपी थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आप स्ट्रेस कम लिया कीजिए और टाइम टू टाइम अपनी दवाइयाँ लिया कीजिए। और बाकी कोई प्रॉब्लम है तो है ही, द बिरलास आप जैसे इंपॉर्टेंट लोग लिए 24/7 अवेलेबल, तो बस फोन कर दीजिए। रावत बच्चे को बिरला हॉस्पिटल ले जाओ। ओके मैम। चलिए बेटा आपको बिरला हॉस्पिटल ले चलते हैं, चलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा दीदी, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप भी चलो साथ में प्लीज। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ ना साथ में, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं कितनी प्लानिंग करके बैठी थी इसको परखने के लिए, लेकिन भगवान का खेल देखो, खुद ही इसका इम्तिहान लेके मेरी नजरों में इसे पास कर दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है।